नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल SY में आपका स्वागत है। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा सोचने से व्यक्ति तनाव में आ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ तरीकों पर काम किया जाए तो ज्यादा सोचने से खुद को रोक सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस बात को कितना ज्यादा महत्व देता है और उसके बारे में कितना सोचते रहना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, भले ही वह किसी रिश्ते से जुड़ी हो या फिर उनके काम से। उनके हिसाब से मामूली बातों को वहीं खत्म कर देने में ही भलाई है, जबकि ज्यादातर लोग किसी की कही बातों या अन्य किसी बेवजह की बात को दिल से लगा बैठते हैं और बार बार कई दिनों तक इसके बारे में ही सोचते ही रहते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत तनाव दे सकती है। अगर आप भी वास्तव में उन लोगों में से हैं जिन्हें हर छोटी बात को बहुत ज्यादा सोचने की आदत है, तो हम यहाँ आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे आप खुद को ज्यादा सोचने से रोक सकेंगे। समाधान की तलाश करने के लिए अपने मस्तिष्क को समझाना बेहद जरूरी है। हालांकि एक ही बारे में अधिक सोचना और बस सोचते ही रहना आपके दिमाग को पागल तक कर सकता है। जब आप उन चीजों या बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप खुद से पूछें कि क्या यह सही है। यदि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो आपका सोचना सही है, अगर नहीं तो अपने समय और स्वास्थ्य को खराब करने से कोई मतलब नहीं है। उन विचारों और बातों को सोचते रहने के बजाय जिनसे कोई लाभ नहीं होता, ऐसे चीजों में ध्यान लगाएं जो आपके लिए फायदेमंद है। अगर इससे भी कोई फायदा न हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं या कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको दिलचस्पी हो। यह निश्चित रूप से आपका ध्यान भटका देगा और आप उन फिजूल की बातों को बार बार सोचने से बच जाएंगे। कुछ स्थितियों में आपको केवल गहरी सांस लेने या ध्यान करने से ही बहुत फायदा होता है। अधिक सोचने और मन को परेशान करने के बजाय गहरी सांस लें। इससे आपका मन शांत होगा और शरीर को भी आराम मिलेगा। यकीन मानिए, इसके बाद आप खुद अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ समस्याएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, परेशान करने वाली होती हैं। हालांकि जब भी आपको ऐसा लगे तो आप एक बड़ी तस्वीर को कुछ देर तक देखते रहें। अगर छोटी छोटी बातें आपके दिमाग से निकल नहीं रही, तो ऐसा करने से आपको महसूस होगा कि ये बातें आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। ध्यान रखें, ज्यादा सोचने से काम करने की आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी। किसी मौजूदा समस्या के बारे में सोचना तब तक सही नहीं है जब तक कि आपके पास इस समस्या का समाधान न हो। इसलिए अपने खाली समय में समस्या का समाधान तलाशने की क्षमता विकसित करें। उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप कुछ स्थितियों को पैदा होने से रोक सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी समस्या में फंसे हुए हैं, तो उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप इसे दूर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह आपके हाथ में नहीं है, तो जबरदस्ती का तनाव और मानसिक दबाव लेना फिजूल है। जब लोग ज्यादा सोचने लगते हैं तो वे खुद को कमजोर समझने के साथ खुद को दोषी भी मानते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए अपनी उपलब्धियों और सफलता की हमेशा सराहना करें, खुद से प्यार करें, और आपके द्वारा की गई कभी कभी अधिक सोचने से बचने का तरीका है कि आप अपनी सभी भावनाओं को बाहर निकाल दें, अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी सभी परेशानियों को डोट
अपने करीबी लोगों के साथ बातचीत करके सुलझाएं। इससे आपके दिल को थोड़ा हल्का महसूस होगा और आपकी समस्या का समाधान भी आसानी से मिल जाएगा। यह सच है कि आपकी समस्या का समाधान खुद आप होते हैं, इसलिए किस बात पर कितना विचार करना है, कितने समय तक विचार करना है, कौन सी बात विचार करने योग्य है, ये सब आप ही को तय करना पड़ेगा। यहाँ बताए गए तरीकों को अपनाने से आप कई हद तक ज्यादा सोचने वाली आदत से निजात पा सकते हैं। हमें मालूम है कि हम परेशान हैं, लेकिन परेशानी को बार बार सोचकर अपना अच्छा समय क्यों बर्बाद किया जाए। इसलिए जब किसी बात पर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो थोड़ा समय निकालकर खुद को तैयार करिए, थोड़ा नाचिए, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल जाइए और अगर कुछ न मिले तो कोई कॉमेडी धारावाहिक देख लीजिए। इतना अगर आप करेंगे तो उस पल के लिए आप अपनी समस्या भूल जाएंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। आप इस बात के डर में न रहें कि आपसे क्या बेहतर तरीके से नहीं आता, बल्कि ये सोचें कि आपको सबसे अच्छे से क्या आता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप बहुत सुंदर नहीं हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत समर्पित नहीं हैं, तो आपका डर और बढ़ने लगता है। इसलिए बेहतर कि अपने डर या कमजोरियों पर सोचने के बजाय अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर विचार करना चाहिए। इससे आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही हैं, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो ऐसी बातों को बीती बातें सोचकर पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। बीती बातें आप में तनाव बढ़ाती हैं और साथ ही आपके काम करने की क्षमता पर भी असर डालती हैं। अक्सर जब दिन भर के काम के बाद सोने का समय आता है, तब नकारात्मक विचार मन में गूंजने लगते हैं। अगर ऐसे विचार मन में बार बार आ रहे हैं तो उन्हें कहें, खुद से दृढ़ निश्चय करें कि इस विषय के बारे में अब नहीं सोचना है। जब आपको लगे कि आपकी ज्यादा सोचने की आदत आपके लिए परेशानी का सबब बन रही है, तो खुद को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखें। इससे आपकी रचनात्मकता में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपको खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ अलग सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल ऑफिशियल SY को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।